एक और मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं, TCI, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी हम देखें तो नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक ही थे। कंपनी के MD विनीत अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा डिटेल में नतीजों पर बातचीत करने के लिए। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। आपसे जानना चाहेंगे, इस बार जो एबिटा था उसमें हमने हल्का दबाव देखा, इसके पीछे के कारण क्या थे? क्या इंटरनेशनल कारोबार में आपको कुछ कंसर्न नज़र आ रहे हैं या फिर कुछ और फैक्टर्स थे? थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्वार्टर फोर में जो लास्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन में हमने इंक्रीज किया था, कुछ शिप्स के डेप्रिसिएशन को बढ़ाया था, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इस साल दिखाई दे रहा है क्वार्टर फोर में। बट ये इसके साथ ऑल्सो जो लास्ट ईयर जो हमने शिपिंग बिजनेस था उसमें इंटरनेशनल ऑपरेशंस में हमने काफ़ी वॉयजेस किए थे, वो इस साल कम था, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट क्वार्टर फोर पे दिख रहा है। बट पूरे साल का अगर हम देखें तो ईयर टू ईयर में हमने ग्रोथ अचीव किया है 16.3% टॉप लाइन पर और साथ साथ अबाउट 14% बॉटम लाइन पर, तो ओवरऑल हमारे लिए अच्छा साल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल साल अच्छा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में किस तरह की रिकवरी देख रहे हैं आप फ्रेट में और SCM कारोबार की, दोनों के बारे में बताइए। वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है आपका? वॉल्यूम पिछले साल काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स हो रहा है, चाहे वो मल्टी मॉडल की तरफ हो रहा है या जो भी एरियाज में होता है, तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कई सेक्टर्स को, जैसे कि अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है या क्रेन्स है, ये सब सेक्टर्स में काफ़ी मूवमेंट होता है, और साथ साथ स्टील, सीमेंट और ये भी बिजनेस में पॉजिटिव ग्रोथ होता है, तो ये फ्रेट बिजनेस के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें सप्लाई चेन बिजनेस में, हम ज़्यादातर काम करते हैं ऑटोमोटिव कंपनियों के लिए। पिछले साल ऑटोमोटिव कंपनियों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर का जो क्राइसिस था वो काफ़ी कम हो गया और उससे ग्रोथ पे इंक्रीज हुआ, चाहे ये फोर व्हीलर था या टू व्हीलर था या ट्रैक्टर सेगमेंट थे, सब में ग्रोथ अच्छा था। तो ये दोनों से ब्रॉडली स्पीकिंग, ये सब कारण से हमने वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा देखा इन दो डिविजनों में, और साथ साथ वैल्यू ग्रोथ भी था, क्योंकि अगर हम फ्यूल प्राइसेस की बात करें वो काफ़ी हद तक स्टेबल था, तो उससे हमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है। बिल्कुल, फ्यूल प्राइसेस को लेकर मेरा अगला सवाल था, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया। अच्छा, ऑटो सेगमेंट में हमने देखा कि जो वहाँ पर एक रिकवरी आई, एक अपट्रेंड दिखा, उसके चलते आपके रेवेन्यू को भी सपोर्ट मिला और अराउंड 75%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिखा था। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आगे भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? हाँ जी, सप्लाई चेन बिजनेस का 75-80% मोबिलिटी सेक्टर में आता है, जिसमें कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल, ये सब उसी के दायरे में आता है, और हम देख रहे हैं कि इस साल भी वो एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा और ऑटोमोटिव में ग्रोथ दिखाई देगा। कुछ जो पेंट अप डिमांड है, जैसे टू व्हीलर सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम हो गया था डिमांड और वो थोड़ा अभी कंटिन्यू भी कर रहा है, बट हम देख रहे हैं कि ईवी सेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की का जो मूवमेंट है उसमें काफ़ी हद तक ग्रोथ है, और हम कई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, चाहे वो फोर व्हीलर की तरफ हो या टू व्हीलर है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं ताकि उनका उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर सके पूरे नेशनली। तो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए हम काफ़ी बुलिश है इस साल के लिए भी। राइट, अब आखिर में एक आखिरी सवाल होगा विनी जी आपसे। अगर इस पूरे साल की बात करें तो क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके? ग्रोथ गाइडेंस क्या देंगे FY24 के लिए? जो हमारा ग्रोथ का गाइडेंस है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन का दोनों 10-15% का है। जो कैपेक्स प्लान है हमारा इस साल का 375 करोड़ का है। ये पिछले साल भी करीब इतना का था, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम इसमें से जो 100-125 करोड़ का बजट है वो शिप को परचेज करने का है। ऑलरेडी हमारे पास 6 शिप्स हैं और हमें ये अपने फ्लीट को एनहांस करने के लिए और शिप्स लेना है। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि वो शिप्स को हम खरीद सकेंगे। इसके अलावा जो कुछ ऑटोमोटिव रेक्स खरीदना है रेलवे के लिए, विच इज अबाउट 50 odd crores, कुछ कुछ ट्रकें हैं और कुछ हब सेंटर्स एंड वेयरहाउसेज है,
तो ये अप्रोक्सीमेट बजट जो 375 करोड़ का है वो हमारे ग्रोथ प्लान्स के लिए, और ये हम समझते हैं कि 200-300 करोड़ का जो बजट है हर साल अगले 2-3 साल के लिए रहेगा, जो ताकि ये कैपेक्स को करके हम आगे जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको मेंटेन रखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच विनीत जी, समय देने के लिए अपना और कंपनी पर और कंपनी के फंडामेंटल्स पर हमारे साथ डिटेल में बात करने के लिए, और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे TCI के MD विनीत अग्रवाल हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जुड़े थे, और आगे के लिए उन्होंने अपने ग्रोथ प्लान्स भी शेयर किए। स्टॉक इस पर सपाटी कारोबार कर रहा है, तो TCI पर भी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। हमने देखा कि मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा दबाव था, हालांकि आय में बढ़त आई है 11.5% की, अगर वाई ग्रोथ देखेंगे तो। TCI के नंबर्स कैसे लगे आपको, ये उस इस कंपनी पर ओवरऑल आउटलुक आपका क्या बन रहा है? मेरे ख्याल से देखिए, ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है लॉजिस्टिक स्पेस में, और मुझे लग रहा है कि एक आध क्वार्टर से हम कंपनी की परफॉर्मेंस पूरी तरह से इवेल्युएट नहीं कर, लेकिन आने वाला साल होपफुली नंबर, मैक्रो इकोनॉमी के नंबर, जीडीपी का ग्रोथ लगता है, एंड यूजर सेगमेंट अच्छे करते हैं, तो डेफिनेटली TCI में अच्छी बहुत पॉसिबल लग रही है। ऐसे एक क्वार्टर में डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्जिन जरूर देखने को मिला, लेकिन मैनेजमेंट मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है आने वाले क्वार्टर्स का और आने वाले साल के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को अगर स्टॉक लेना है तो ये एक अच्छा मौका बनेगा, बट टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीना रखना यहाँ पे जरूरी है। ओके, ठीक है अविनाश जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, दोनों स्टॉक्स पर अपना एनालिसिस करने के लिए। तो गल्फ ऑयल भी अच्छा लग रहा है, मौजूदा स्तर पर आप खरीदारी कर सकते हैं, व्यू 1 साल का रखिए। और TCI एक्सप्रेस में भी सेम व्यू है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था, अभी हमने उनसे बात भी की है आगे के ग्रोथ आउटलुक पर, तो 12 से 15 महीने के व्यू के लिए आप TCI एक्सप्रेस में भी नज़र रख सकते हैं। समय अवधि जो है वो थोड़ा लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आप दोनों स्टॉक पर आप निवेश कर सकते हैं।